फ्यूचर टेंस के चार भेद, फ्यूचर टेंस के चार भेद में से सबसे पहला भेद हम पढ़े थे फ्यूचर सिंपल टेंस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़े थे, उसके बाद आज जो पढ़ने वाले हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। अगर फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस का अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके ज़रूर देखिए। करते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ओर देखते हैं। लिखिए दी वर्ब विच शोज, द वर्ब विच शोज दैट एन एक्शन, दैट एन एक्शन विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड वर्क इन फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। देखो दी वर्ब विच शोज दैट एन एक्शन विल हैव कंप्लीटेड वर्क इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड, फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड, ये होगा आपका फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए दी वर्ब शोज दैट एन एक्शन विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड वर्क इन फ्यूचर टाइम, यानी कोई काम आने वाले समय में, यानी फ्यूचर टाइम में, कोई काम आने वाले समय में यानी फ्यूचर टाइम में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, हो चुकेगा, समझे। कोई काम आने वाले समय में यानी फ्यूचर टाइम में कोई काम कंप्लीट यानी पूरी तरह से संपन्न हो चुके होंगे, तो ऐसे टेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। बस यही याद रखिएगा, विल हैव कंप्लीटेड वर्क इन फ्यूचर टाइम, वर्क इन फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई काम आने वाले समय में पूरी तरह से कंप्लीट यानी पूरा हो चुकेंगे, तो ऐसे टेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका पहचान देखिए, पहचान इसमें जो है, देखिए इससे पहले प्रेजेंट सिंपल में पहचान बताए थे चुका है, चुकी है, चुके हैं। जब पास्ट परफेक्ट पढ़े थे तो वहाँ बताए थे चुका था, चुकी थी, चुके थे। लेकिन अब दिमाग लगाइए, अगर फ्यूचर परफेक्ट आ जाए तो यहाँ क्या होगा, चुकेगा, क्या होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, इत्यादि ये सब लगा रहेगा। चलिए चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे अगर लगा रहे समझिएगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब एफर्मेटिव में स्ट्रक्चर बताइए, देखिए एफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर जो होगा, देखिए सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आप सेल या विल लगाइए, सब्जेक्ट सेल या विल, सब्जेक्ट सेल या विल, तुरंत आप हैव लगाइए, हैव, सेल विल के बाद तुरंत हैव, उसके बाद तुरंत आप भी थ्री डालिए वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद तब अदर वर्ड लगा के लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए, या ऑब्जेक्ट सब लगाइए लास्ट में फुल स्टॉप। एग्जांपल जैसे आप आम खा चुकेंगे, आप आम खा चुकेंगे, इससे क्या भाव व्यक्त होता है, कोई काम आने वाले समय में यह काम कंप्लीट हो चुकेगा, समझे। आप आम खा चुकेंगे, तो इस टेंस को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब बताइए आप आम खा चुकेंगे, कोई काम आने वाले समय में पूरी तरह से ये क्या होंगे, कंप्लीट हो चुकेंगे। तो देखिए लास्ट में चुकेंगे आया ना, तो चुकेंगे, देखिए चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे अगर लगा रहे समझिए वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बताइए यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या होगा, सब्जेक्ट आपका यहाँ पर आप है तो यू होगा, यू के साथ सेल की विल लगेगा ना, तो यू विल, सब के साथ हैव लगाना है। अब देखिए ईट जो है यहाँ पर वर्ब है, समझे, इसका भी थ्री बताइए, ईट एट ईटन होता है, तो हो गया यू विल हैव ईटन, आप खा चुकेंगे। इसको बताइए राम, राम, राम घर जा चुकेगा, राम घर जा चुकेगा, राम घर जा चुकेगा, आप बताइए राम घर जा चुकेगा कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, राम घर जा चुकेगा तो राम सब्जेक्ट है तो पहले लिखेंगे राम, और राम के साथ बताइए सेल लगेगा या विल लगेगा, तो राम के साथ विल लगेगा ना। देखिए आई और वी, आई और वी, इन्हीं दोनों के साथ क्या लगेगा आपका सेल, बाकी जो बच गया ही बच गया, सी बच गया, इट बच गया, किसी का नेम आ जाए या टी एच ई वाई दे आ जाए या वाई ओ यू यू आ जाए, इस सब के साथ क्या लगेगा बताइए, विल लगता है ना, इनको शुरू में बताए थे हम, है ना, जब हम
फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़े थे, फ्यूचर सिंपल टेंस में ही हम बताए दिए कि आई और वी रहे तो इसके साथ सेल, बाकी सब के साथ विल लगेगा। वही अगर सेंटेंस में हिंदी वाक्य में यदि अवश्य शब्द लगे ना, तो ये बातें उलट जाएगी, जो आई वी है उनके साथ सेल के जगह पे विल हो जाएगा। जैसे राम अवश्य घर जा चुकेगा, जब इसमें अवश्य शब्द आ जाए तो लिखेंगे राम, राम के साथ विल लगेगा, लेकिन ये बातें उलट जाएगी, अवश्य लगने के बाद यहाँ सेल लग जाएगा, समझे। आई वी रहे तो सेल, बाकी सबके साथ विल, अवश्य शब्द रहे तो क्या होगा, आई वी रहे तो विल, बाकी सबके साथ सेल, समझे। इस बात को हम समझाए थे, तो राम घर जा चुकेगा तो क्या लिखेंगे, तो राम सब्जेक्ट है, राम के साथ क्या लगेगा आपका विल, उसके बाद तुरंत क्या लगेगा है, उसके बाद भी थ्री बताइए, जाना का गो है ना, गो मीन्स जाना, भी टू बताइए वेंट हो जाएगा, भी थ्री क्या होगा गोन, गो वेंट गोन, तो यहाँ पर भी थ्री क्या लगेगा गोन, बस हो गया। अब देखिए घर जाएंगे तो क्या लिखेंगे टू, अब घर का अंग्रेजी क्या होगा आपका हाउस, तो राम विल हैव गॉन टू हाउस, राम घर जा चुकेगा। चलिए इसका आप निगेटिव लेते हैं, यहाँ पर देखिए यू विल हैव ईटन, यहाँ पर देखिए आम मैंग, मतलब यहाँ पर आपका आम जो है ना ऑब्जेक्ट था, ए मैंगो लगेगा, यहाँ छूट गया था, चलिए ऑब्जेक्ट कहाँ लगे, देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ लगेगा, भी थ्री के जस्ट बगल में लगेगा, तो भी थ्री आपका देखिए ईटन है ना, इसके बगल में आपका ए मैंगो लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निगेटिव लेते हैं इसका, टेंस के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद तुरंत आप सेल या विल लगाइए, सेल विल के बाद तुरंत नोट, सेल विल के बाद तुरंत आप नोट लगाइए, यहाँ पर नोट लगाने के बाद तुरंत क्या लगेगा हैव, बस उसी तरह भी थ्री, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वही, अदर उसमें निगेटिव जोड़ लीजिए, सीता अपना काम पूरा, इसका नहीं जोड़ेंगे तब निगेटिव बनेगा, सीता अपना काम पूरा नहीं कर चुकेगी तब निगेटिव होगा। अब विल के बाद तुरंत क्या लगाइए नोट, तुरंत क्या लगाइए हैव, उसके बाद बताइए पूरा करना होता है फिनिश, एफ आई एन आई एस एच, इसी में ई डी जोड़ लीजिए, भी थ्री हो जाएगा, या कंप्लीट होता है उसी में ई डी जोड़िए तो कंप्लीटेड हो जाएगा फिनिश्ड। अब देखिए अपना काम, अपना अपनी अपने, अपना अपनी अपने का अंग्रेजी क्या होगा, ये तो क्या है सीता एक फीमेल है, समझे कि नहीं, इनके अनुसार क्या लगेगा हर लगेगा, बिल्कुल सही हर लगेगा हर, उसके बाद यहाँ वर्क देंगे, ऐसे बना सीता विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, सीता अपना काम पूरा कर चुकेगी, सीता अपना काम पूरा नहीं कर चुकेगी, नोट है ना नेगेटिव। चलिए अगला, घर नहीं जा चुके, वह घर नहीं जा चुकेगी, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका सी, उसके बाद इसके साथ विल लगेगा, तुरंत नोट लगेगा, तुरंत हैव लगाइए, गो वेंट गोन, भी थ्री आपका गोन हो जाएगा, गोन टू हाउस लगा दीजिए, ये होगी आपका क्या चीज़ निगेटिव सेंटेंस, सी विल नॉट हैव गॉन टू हाउस, वे लोग नहीं खा चुकेंगे क्या लिखेंगे, दे हैव, दे विल हैव, दे के साथ विल लिखेंगे, दे विल नॉट हैव, हाँ दे विल नॉट हैव ईट का भी थ्री बताइए, ईट एन फुल स्टॉप, वह नहीं पढ़ चुकेगा ही होगा, ही के साथ विल लगाइए, ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव रेड, चलिए देखिए, चलिए विल बाहर कर लीजिए, सेल या विल बाहर हो जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएंगे, नो निगेटिव सेंटेंस रहे तो नोट लगाएंगे, उसके बाद तुरंत हैव लगेगा हैव, उसके बाद तुरंत भी थ्री, उसके बाद तब ऑब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद भी अदर वर्ड लेके क्वेश्चन मार्क लगाइए, जैसे क्या क्या रोगी मर चुकेगा, क्या रोगी मर चुकेगा बताइए, तो क्या रोगी मर चुकेगा, देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो हो गया रोगी यानी पेशेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके अनुसार क्या लगेगा, यहाँ विल लगेगा ना, पहले विल लगाइए, विल द पेशेंट, देखियो विल द पेशेंट, उसके बाद तुरंत यहाँ निगेटिव नहीं है तो नोट नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा हैव, तब लिखेंगे मरना होता है डाय, इसमें डी जोड़ दीजिए तो हो गया डाय, तो विल द पेशेंट हैव डाइट, क्या रोगी मर चुकेगा, आगे लिखिए क्या राम, क्या राम विद्यालय जा चुकेगा, क्या राम विद्यालय जा चुकेगा, देखिए राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इसके अनुसार यहाँ पर क्या लगेगा विल, उसके बाद तब क्या लगेगा इसका सब्जेक्ट राम, उसके बाद तुरंत हैव लगेगा, गो वेंट गॉन टू स्कूल लगाइए, सीखे कि नहीं बताइए, है ना, यही फॉर्मूला याद रखिए, खाली सेल विल बाहर हो जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा सेल विल के स्थान पर, और सेल विल आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर,
अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ जाए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, खाली डब्ल्यू एच वर्ड जोड़िए, जैसे एग्जाम्पल ये डायरेक्ट ले लेते हैं, जैसे आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं आम, आप क्यों नहीं आम खा चुकेंगे, बताइए आप क्यों नहीं आम खा चुकेंगे, खट्टा है इसीलिए, आप क्यों नहीं आम खा चुकेंगे, सब कोई आम खाएंगे आप भी खाइए, समझे, तो आप क्यों नहीं आम खा चुकेंगे, देखिए ये क्या हो गया बताइए, डब्ल्यू एच वर्ड यही हो गया ना, क्यों, क्यों का इंग्लिश पहले लिखिए, क्यों का इंग्लिश पहले लिखिए, व्हाई, ये बताइए आप है सब्जेक्ट यहाँ पर, है ना, देखिए खाली इसमें डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है, बाकी ए सुनो क्वेश्चन का ही स्ट्रक्चर होगा, आप यहाँ पर अंग्रेजी यो होगा, यू के साथ विल लगेगा, विल बाहर हो जाएगा, व्हाट विल यू नेगेटिव सेंटेंस है, जस्ट सब्जेक्ट के बगल में, यू के बगल में नोट लगेगा, हो गया, अब देखिए हैव लगेगा, हैव लगाइए, अब देखिए यहाँ पर बी थ्री खाना का क्या होगा, ईट, बी थ्री ईटन होगा, अब देखिए आम, ए मैंगो लगाइए, ए मैंगो आपका ई जो है ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क लगाइए, सीखे कि नहीं बताइए, चलिए अब लेते हैं, देखिए सेंटेंस आपका लिखा हुआ यहाँ पर हिंदी में कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, इससे पहले पास्ट परफेक्ट में हम पढ़े थे कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में था, समझे, अगर वीडियो नहीं देखेंगे आप वहाँ जाके देख लीजिए, यहाँ पर देखिए जब ये आ जाएगा इस तरह, डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, देखिए लास्ट में चुकेगा चुकेगी है, तो ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, समझे कि नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे पहचान लिए सर जी आप, इसलिए लास्ट में देखिए चुकेगा है ना, बताए थे चुकेगा चुकेगी चुकेंगे लगा रहे, समझिए वो पास्ट परफेक्ट है, अब क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने, देखिए डॉक्टर के आने के पहले यहाँ पर किस तरह बनेगा बताइए, ये जो है होगा आपका, ये होगा प्रेजेंट, ये होगा प्रेजेंट सिंपल, ये होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये होगा प्रेजेंट सिंपल, समझेंगे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, तो ये जो आपका पार्ट होगा ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ये जो होगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा, जैसे इससे पहले हम बताए थे ऐसे, डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, चुका था चुकी थी, मर चुका था चुकी थी, यहाँ बताए थे क्या चीज़, यहाँ पास्ट परफेक्ट पढ़ाए थे, यहाँ पास्ट परफेक्ट बताए थे इस तरह, क्योंकि चुका था चुकी थी आ गया था, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, उसके बाद देखिए डॉक्टर के आने के पहले थे, ये आपका क्या था, पास्ट सिंपल था, यहाँ पास्ट सिंपल था, ये पास्ट सिंपल की तरह बनेगा, इधर ये जो है पास्ट परफेक्ट तरह बनेगा, ये बताया गया है, तो क्या लिखते थे, दी पेशेंट, देखिए पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत क्या चाहिए, सब्जेक्ट के साथ तुरंत क्या चाहिए, हेड ए चाहिए ना, उसके बाद तुरंत भी थ्री चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ये होगा आपका, अब पेशेंट हेड होगा, दी पेशेंट हैड डाइड, डी आई ई डी डाइड, हो गया, अब देखिए पहले गणित क्या होगा, बिफोर, ये बताए थे इसे बिफोर होगा, उसके बाद देखिए तब है डॉक्टर के आने के पहले, ये पास सिंपल में क्या होगा, सब्जेक्ट उसके बाद तुरंत भी टू उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही था ना, तो यहाँ पर क्या होगा, दी डॉक्टर, दी डॉक्टर कैम होगा, ये पढ़ाया गया है, समझे, आप जाके वीडियो देख लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए रोगी मर चुकेगा, पहले ये बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, दी पेशेंट, ये फ्यूचर परफेक्ट की तरह, तो क्या लिखेंगे, दी पेशेंट, दी पेशेंट विल लगेगा, दी पेशेंट विल, अब तुरंत क्या लगेगा, है यही होता है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट चाहिए उसके बाद या तो सेल या तो विल चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, है वो तुरंत क्या चाहिए, भी थ्री, यही होता है स्ट्रक्चर, तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए रोगी, तो दी पेशेंट इसके साथ क्या लगेगा, विल, तो उसके बाद तुरंत है भी थ्री बताइए, डी आई ई डाई मना मरना, ई खाली डी जोड़ देंगे तो यही हो आपका भी थ्री, पहले का अंग्रेजी बताइए क्या होगा, बी फोर, अब देखिए डॉक्टर के आना, तो ये डॉक्टर के आने, तो मतलब ये प्रेजेंट सिंपल की तरह लिखा जाएगा, तो प्रेजेंट सिंपल में देखिए सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट भी वन या भी फाइव, उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, यही होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या होगा, दी डॉक्टर, क्या लिखेंगे, सीधा होगा दी डॉक्टर, सीधा होगा कम का भी फाइव, क्योंकि ये देखिए है ना, ये तो कौन सा है बताइए, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो भी फाइव लगेगा, कम्स हो जाएगा,
सीखे कि नहीं बताइए। दी पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर दी डॉक्टर कम्स, यानी डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा। समझा कि नहीं? चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले टेंस की तरफ, यानी आपका लास्ट वन टेंस अब बचा है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पार्ट 12। ये आपका पार्ट 11 था, पार्ट 12 में मिलते हैं। तब तक के लिए